हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सुहेल दलाल और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल संजीवनी आयुर्वेदा हॉस्पिटल में। आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है विटामिन B12 की कमी। दोस्तों, हमारी रोजमर्रा की ओपीडी में बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो कहते हैं, डॉक्टर साहब मुझे विटामिन B12 की कमी है और बार बार विटामिन B12 के इंजेक्शन और टेबलेट्स लेने के बावजूद भी मुझे विटामिन B12 की कमी हो जाती है। तो ये विटामिन B12 की कमी आखिर है क्या, विटामिन B12 की कमी की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, विटामिन B12 की कमी होने के क्या कारण हैं और आयुर्वेद में विटामिन B12 की कमी के क्या सॉल्यूशंस हैं और आयुर्वेद में विटामिन B12 की कमी को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करेंगे कि विटामिन B12 की कमी होने के क्या क्या कारण, लक्षण और उसकी क्या चिकित्सा है। तो इस वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ जरूर जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा YouTube चैनल संजीवनी आयुर्वेदा हॉस्पिटल है, उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। संजीवनी आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा हॉस्पिटल, रीजुविनेट योर माइंड, बॉडी एंड सोल। दोस्तों, विटामिन B12 की कमी आजकल के जमाने में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। आयुर्वेद में विटामिन B12 जैसी किसी भी चीज का उल्लेख नहीं किया गया है। अगर हम देखने जाएं तो विटामिन B12 हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन B12 है वो हमारे शरीर की रक्त कोशिका है, जिसे हम RBC कहते हैं। वो RBC को तैयार करने का काम करता है और वो जो रक्त कोशिकाएं हैं, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, वो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन करते हैं। अगर RBC की कमी हो जाए शरीर में, विटामिन B12 की कमी हो जाए, तो RBC कम पैदा होंगे। RBC कम पैदा होंगे तो शरीर में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन कम होगा और ऑक्सीजन का सर्कुलेशन अगर पूरी बॉडी में कम रहेगा तो उसकी वजह से हमें कमजोरी का एहसास हो सकता है, पूरा दिन फटीग जैसा फील होता है। और दोस्तों, अगर हम बात करें कि विटामिन B12 है वो अगर हमारी बॉडी में कम है तो हमारा दिमाग है वो भी अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाएगा और हमारे ब्रेन को प्रॉपरली एक्ट करने के लिए विटामिन B12 की बहुत ज्यादा जरूरत है। ज्यादातर जो लेडीज प्रेग्नेंट हैं और जो ओल्ड एज पीपल हैं, उनके शरीर में विटामिन B12 की जरूरत होती है और हमारे शरीर को पर डे 2.5 माइक्रोग्राम विटामिन B12 की ही जरूरत है। इतनी कम विटामिन B12 की जरूरत होने के बावजूद भी विटामिन B12 की कमी आजकल लोगों में क्यों दिखती है वो हम जानते हैं। तो सबसे पहले ये देखा जाए कि विटामिन B12 की कमी होने की वजह से हमारे शरीर में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, विटामिन B12 की कमी वाले पेशेंट्स में एनीमिया एक कॉमन सिम्टम है। एनीमिया यानी कि रक्त कणों की यानी कि खून की कमी, जिन लोगों को एनीमिया होता है विटामिन B12 की कमी की वजह से हो सकता है। उसके बाद जिन लोगों को विटामिन B12 कम होता है वो पूरा दिन लिथार्जिक, वीक और फटीग फील करते हैं, मतलब शरीर हमेशा उनका ढीला रहता है, काम करे या ना करे लेकिन कमजोरी का एहसास होता है और पूरा दिन थकावट महसूस होती है। उसके अलावा विटामिन B12 की कमी का एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है काफ मसल्स, यानी कि पिंडियों में दर्द होता है। जिनकी पिंडियों में रात के टाइम पे ज्यादा दर्द होता है उसमें, या तो पिंडियों में कंटिन्यूअस दर्द रहता है, तो ये विटामिन B12 की कमी का एक लक्षण है। उसके अलावा टिंगलिंग एंड नमनेस, फीट्स और हैंड्स, दोनों हाथ और पैरों में टिंगलिंग और नमनेस, यानी कि आपको सुई जैसा चुभना या तो चींटी चलने वाला फीलिंग आपको कंटिन्यूअस रहता है, उसे टिंगलिंग और नमनेस कहा जाता है। ये विटामिन B12 की कमी की वजह से देखा जाता है। उसके अलावा रिकरेंस स्टोमेटाइटिस, यानी कि मुंह में बार बार छाले हो जाते हैं। जिन लोगों को विटामिन B12 की कमी होती है उन लोगों के मुंह में बार बार छाले होने की शिकायत भी देखी जाती है। पल्पिटेशन होने लगता है उन लोगों को, यानी कि उनकी धड़कन जो है वो बार बार तेज हो जाती है। ब्रीथलेसनेस और डिस्निया जिसे कहा जाता है, मतलब सांस फूल जाती है और सांस लेने में तकलीफ होना, घबराहट जैसा महसूस होना, ये भी विटामिन B12 की कमी का एक लक्षण माना जाता है। उसके अलावा बार बार जिन लोगों को विटामिन B12 कम हो जाता है तो उनको बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स को फेस करना पड़ता है, मतलब हताश, निराशा या गुस्सा आना, यानी कि मूड में कंटिन्यूअस चेंजेस आने लगते हैं। उसके अलावा एंजाइटी, यानी कि एक प्रकार का डर का महसूस होता है, एंजाइटी वाली फीलिंग आने लगती है। कंटिन्यूअस माइंड जो है वो कंफ्यूज रहता है और मेमोरी जो है वो वीक हो जाती है। कभी कभी चीजें हम भूलने लगते हैं और कुछ केसेस में बहुत ज्यादा भूलने की शिकायत भी देखी जाती है। तो फ्रेंड्स, ये सारे लक्षण हैं विटामिन B12 की कमी के। दोस्तों, हमने ये तो देखा कि विटामिन B12 की कमी के क्या क्या लक्षण हैं, जिन लोगों में विटामिन B12 कम है उसे क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं।
अब आयुर्वेद के हिसाब से कुछ ऐसे कारण भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि विटामिन B12 की अगर हमें कमी है तो उसके क्या क्या कारण हैं। सबसे पहले दोस्तों, हमारा जो खुराक है, जो हम खाना खाते हैं, वो हमारे पेट में जाता है और पेट के बाद हमारे आंतड़ियों में जाता है। खाने की जो पूरी चयापचय की प्रक्रिया है, जिसको हम पाचन क्रिया कहते हैं, जिसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं, उसके लिए हमारे जो गट है, हमारे जो इंटेस्टाइन है, हमारे जो आंतड़े हैं, उसमें रहने वाले बैक्टीरिया जो है वो उसके लिए जिम्मेदार है। अगर हमारे गट बैक्टीरिया विटामिन B12 का अच्छे से एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएंगे, उसको अच्छे से पचा नहीं पाएंगे, तो हमारे शरीर में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी जरूर हो जाएगी। और ये हमारे गट बैक्टीरिया विटामिन B12 को अच्छे से नहीं पचा सकते हैं, तो उसका मेन कारण हमारा मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं है। आयुर्वेद में ऐसा बताया गया है कि रोगाः सर्वे अपि मंदाग्नोः, तमाम के तमाम रोग जो है वो आपकी पाचन क्रिया यानी कि आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने की वजह से होते हैं। और आयुर्वेदा में स्पेशली अग्नि यानी कि मेटाबॉलिज्म, आपकी जो पाचन शक्ति है, आपकी जो अग्नि है, आपका जो डाइजेशन है, उसके ऊपर फोकस किया गया है। आयुर्वेद में 13 प्रकार के अग्नि बताए गए हैं, मतलब जो हमारे शरीर में पाचन क्रिया करने के लिए जो अग्नि की जरूरत है उसे जठराग्नि कहा जाता है। उसके बाद हमारे शरीर में खुराक का पाचन होने के बाद जो हमारी 7 धातुएं बनते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7-7 धातुओं का जो अग्नि है उसे धातुअग्नि बोला जाता है। और जो 5 महाभूत है शरीर के, उसको उसकी जो अग्नि है उसको भूताग्नि बोला जाता है। मतलब जठराग्नि, धातुअग्नि और भूताग्नि, इस प्रकार से 13 प्रकार के हमारे अग्नि है, जिसकी वजह से हमारा पूरा मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है। शरीर में खाना जो है वो अंदर जाके विभाजित होता है, जिसमें से प्रोटीन, फैट्स, कार्ब्स, विटामिन्स, ये सारी चीजें अलग होती हैं, उसको शरीर एब्जॉर्ब करता है, और जो कचरा है, जो वेस्ट मटेरियल है, उसको मोशन के थ्रू, यूरिन के थ्रू और पसीने के थ्रू, जिसे हम पुरुष मूत्र और स्वेद कहते हैं, उसके थ्रू आप बॉडी से बाहर निकालते हैं। और ये पूरी प्रक्रिया जो है, इसे आयुर्वेद में सार किट विभाजन की प्रक्रिया कहा जाता है। अगर ये मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस है, उसमें अगर विकृति आ जाए, अगर हमारी जठराग्नि में विकृति आ जाए, हमारी 13 प्रकार की जो अग्नि है उसकी प्रोसेस में अगर विकृति आ जाए, तो गट बैक्टीरिया विटामिन B12 का अच्छे से एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएंगे, और उसकी वजह से हमारे शरीर में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है। अभी दोस्तों, हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा अग्नि मंद हो गया है, मतलब कि हमारा मेटाबॉलिज्म वीक हो गया है, वो हमें कैसे पता चलेगा? तो जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म वीक होता है, उन लोगों को अरुचि, मतलब खाने पीने की इच्छा ना होना, ऐसा फील हो सकता है, पूरा दिन ब्लोटिंग यानी कि शरीर में फुलावा महसूस होता है, ब्लोटिंग महसूस होता है, शरीर भारी भारी लगता है, पेट में इनडाइजेशन महसूस होता है, मतलब खाया हुआ खाना पचा नहीं है और पेट भरा भरा सा है, वैसा फील होता है, कॉन्स्टिपेशन, आइदर एसिडिटी यानी कि कब्ज या तो एसिडिटी, ऐसा आपको फील होता है, पेट साफ अच्छे से नहीं होता है और एसिडिक फीलिंग आती है और पेट में दर्द भी हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम है आपका, अगर अग्नि मंद है तो आपको ये सिम्टम्स महसूस होंगे। अब देखते हैं फ्रेंड्स के मेटाबॉलिज्म को यानी कि अग्नि को, हमारा जठराग्नि है, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको अच्छा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो B12 का एब्जॉर्प्शन अच्छा हो, उसके लिए मेटाबॉलिज्म का ठीक होना जरूरी है, और मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के लिए हमें टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है और टाइम पे खाना खाना है। ज्यादातर लोगों को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी इसीलिए होती है क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल और उनकी फूड हैबिट अच्छे से ठीक नहीं होती है। वो लोग टाइम पे नहीं खाते हैं, रात का खाना लेट खाते हैं, खाना खाके तुरंत सो जाते हैं, दोपहर का खाना खाने का टाइम, लंच का टाइम निकल जाए उसके बाद खाते हैं। तो खाना कैसे खाना चाहिए, उसके ऊपर हमने ऑलरेडी हमारे चैनल पे एक वीडियो बना के रखा हुआ है, आयुर्वेदिक डाइट प्लान करके, जिसका लिंक मैं यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। उस लिंक पे जाकर आप देख लीजिए कि खाने पीने का टाइम टेबल कैसा होना चाहिए और आयुर्वेद के हिसाब से डाइट प्लान कैसा होना चाहिए। अब अपना मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करने के लिए हम दूसरी चीज देखते हैं कि आयुर्वेद के हिसाब से त्रिकुक्षी विभाग हमारे पेट का करने का बताया है, मतलब कि हमारा जो खाना है, हमारा जो पेट है, उसको आप 50% सॉलिड फूड यानी कि रोटी, राइस जो हम खाते हैं उससे भरना है, 25% वॉटरी चीजों से भरना है, जिसमें हम छाछ ले सकते हैं या पानी उससे भरना है, और 25% जो ऊपर का जो पार्ट है उसे हमें खाली रखना है ताकि हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है कि बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं, पेट भर के ऊपर तक भर लेते हैं और ओवर ईटिंग करते हैं, उसकी वजह से भी आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस आपका खराब होता है और उसकी वजह से विटामिन B12 का डेफिशिएंसी हो सकता है।
और दोस्तों विटामिन B12 की डेफिशिएंसी ना हो और मेटाबॉलिज्म ठीक रहे उसके लिए हमें प्रॉपर स्लीप लेना यानी कि अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। उसके अलावा स्ट्रेस एंजाइटी मानसिक तनाव को दूर रखना है, रोज सुबह में उठ के थोड़ा सा योगा या एक्सरसाइज करना है, रात को सोने से पहले 15 से 20 मिनट का वॉक जरूर से करना है। तो ये चीजें हमें करनी है अपने मेटाबॉलिज्म को अच्छा करने के लिए। अब उसके अलावा अब हम देखते हैं विटामिन B12 के सोर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जहां से हम विटामिन B12 हम प्राप्त कर सकते हैं। आपको पता ही होगा दोस्तों कि नॉन वेज यानी कि एग फिश मीट चिकन इसमें से विटामिन B12 जो है या तो ऑर्गन मीट इसमें से हमें विटामिन B12 जो है ये भरपूर मात्रा में मिलता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उन लोगों का विटामिन B12 लेवल अच्छा ही होगा। डे बाय डे प्रैक्टिस में हमारे पास काफी ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि जो पूरा दिन नॉन वेज खाते हैं या रोज नॉन वेज खाते हैं फिर भी उनका विटामिन B12 डेफिशिएंट होता है, उनका विटामिन B12 कम होता है क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म वीक है। तो मेटाबॉलिज्म हमें प्रॉपर रखना जरूरी है। विटामिन B12 के सोर्स की बात करें तो नॉन वेज के बारे में मैंने आपको बताया, वेजिटेरियन सोर्स में गाय का दूध, आप दूध कोई भी ले सकते हैं लेकिन गाय का दूध जो है वो पचने में आसान होता है, गाय के घी में से अच्छे प्रमाण में विटामिन B12 आपको मिल सकता है, सोयाबीन है टोफू है उसमें से भी आपको विटामिन B12 मिल सकता है। उसके अलावा जितनी भी दालें हैं पल्सिस हैं मूंग की दाल चने की दाल स्पेशली याद रखें कि छिलके वाली दालों का इस्तेमाल करना है तो उसमें से हमें विटामिन B12 अच्छे मात्रा में मिल सकता है। और स्प्राउट्स आज आप सब लोगों ने सुना होगा जो अंकुरित अनाज है मूंग मुठ चना उसको अंकुरित करके खाया जाता है तो दोस्तों स्प्राउट्स जो है वो भी विटामिन B12 का एक बहुत अच्छा सोर्स है। लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से स्प्राउट्स को जो है वो गुरु माना गया है, मतलब हैवी टू डाइजेस्ट माना गया है। जो लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं जिनका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है यानी कि बैठने वाला जीवन है और जिनकी लाइफ में बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो उन लोगों को स्प्राउट्स का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन जो एथलीट है या जो लोग एक्सरसाइज करते हैं स्विमिंग रनिंग वॉकिंग जिमिंग कुछ भी करते हैं फिजिकल एक्टिव है जिनका जठराग्नि अच्छा है तो उन लोगों को सुबह स्प्राउट्स खा सकते हैं। स्प्राउट को उसकी कुछ अमाउंट में लेना है उसे बॉईल करके उसके साथ कुछ वेजिटेबल्स मिक्स करके खाना है ताकि वो आपको डाइजेशन में आसान रहे। तो दोस्तों ये सारे सोर्सेज मैंने आपको बताए वेज और नॉन वेज सोर्सेज के जहां से हम विटामिन B12 को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और विटामिन B12 प्राप्त कर सकते हैं। आयुर्वेद की एक ऐसी दवाई के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, आयुर्वेद के जितने भी आसव और अरिष्ट है उसमें भी आपको नेचुरली विटामिन B12 मिल सकता है। एक ऐसे ही अरिष्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा जिसका नाम है धात्रियारिष्ट। धात्रियारिष्ट का सेवन अगर आप 15-15 ml सुबह शाम खाना खाने के बाद पानी में मिक्स करके करते हैं तो वो भी आपकी बॉडी में विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ाएगा और विटामिन B12 के प्रोडक्शन में भी हेल्प करेगा। तो दोस्तों यहां हमने बात की है आज इस वीडियो में विटामिन B12 के बारे में, मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दी है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी जरूर कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स, और इस वीडियो को आप लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को शेयर जरूर से करिए और हमारे चैनल संजीवनी आयुर्वेदा हॉस्पिटल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। और संजीवनी आयुर्वेदा हॉस्पिटल का वेल ट्रेन्ड और एक्सपीरियंस स्टाफ आपको रोग मुक्त करने के लिए तैयार है। अरे देर किस बात की, जब हम होंगे साथ तो रहिए बेफिक्र आप। संजीवनी आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा हॉस्पिटल, रीजुविनेट योर माइंड बॉडी एंड सोल। कॉल नाउ 7575098494 या 9879428494। 116-117 ग्रीन एलिना ऑपोजिट स्नेह संकुल वाड़ी आनंद महल रोड अडाजन सूरत।